फैमिली का इफेक्ट ये है कि मैं उठ गई हूँ, ये उठ गए हैं, तो मेरी आवाज़ सुन करके सारे बिल्ली के बच्चे जो थे वो भी सारे उठ चुके हैं। लेकिन हमारे घर में एक नया लेजी जो है, लेजी मेंबर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई उठ जाए, उसको अपना सोना ही है। मैं आपको दिखाती हूँ जरा गौर से देखिए, ए ए ए ए ये देखिए। तो ये चुटकू महाराजा अभी सिर्फ 2 वीक्स के हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उठे ना उठे, किसी को काम हो या नहीं हो, इनको तो बस सोना है अभी आराम से। तो चलिए ठीक है, मैं ज़रा नाश्ता कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, अर्ली मॉर्निंग है ना, हर कोई नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाती। गुड मॉर्निंग ऑल द फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और देखिए, एक दिन के बाद मैं आपकी अपनी दोस्त जो हूँ वापस आ गई हूँ आपके अपने चैनल पर जिंदगी मसाला विद सल्ला में। और ये देखिए, ये है टीवी, यहाँ पे बैठे हुए हैं और दोस्तों और वेल ड्रेस्ड है, क्योंकि इस वक्त ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और टाइम इस वक्त घड़ी में हो रहे हैं 6:45। तो अब बस ये निकलने वाले हैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए। तो हमने सोचा चलिए उससे पहले आपके साथ मॉर्निंग में जो है थोड़ी बातचीत कर ली जाए। और नज़ारा कुछ यूँ है बाहर का कि देखिए, अभी तक जो है वो इतनी अच्छी रोशनी निकली नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी निकली है। मैं देखती हूँ, शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आए तो देखिए ऐसा है कुछ, तो रोशनी है बट थोड़ी हल्की हल्की सी रोशनी है। तो अब मेरा इतने दिन से वीडियो भी नहीं आ पाया आप लोगों के पास, आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मेरा चला जाए, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से जो है मैं वीडियोज़ जो है वो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो देखती हूँ आज कुछ भी करके, चाहे मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, कुछ भी करके आज ठीक करवाऊँगी और आप लोगों के लिए जो वीडियो है उसे पोस्ट करके रहूँगी। तो यहाँ देखिए बेबी नाश्ता कर रहे हैं और चाय वगैरह यहीं रखी हुई है और तो बस ये इनको ऑफिस के लिए मैं थोड़ा बच्चे को रेडी कर दूँ, उसके बाद फिर भेज के ऑफिस, फिर मैं आप लोगों से दोबारा बातें करती हूँ। इतना शोर है कि बस है ना। शोर हो रहा है इस वक्त यहाँ पर कि कोई भी पार्क में अभी आने को राजी नहीं है, सिवाय हमारे और इस अकेले बंदे के, यहाँ कोई नहीं बैठ पा रहा है। घर में भी इतना सर दर्द हो रहा था, बस मैंने कहा थोड़ा आउटिंग कर लेती हूँ, मे भी बेटर काउंट करेगा, तो इसीलिए आई हूँ अभी। थोड़ी देर तो आउटिंग करने से अच्छा लगता है, पर यहाँ लग नहीं रहा, बाहर आके तो और शोर पड़ गया है। ये क्या हो रहा था, तुमने खाना खा लिया ना अपना? अभी अभी दिया ना मैंने खाना तुम्हें, दिया ना पेट भर के खाना? तुमने चोरी क्यों करी है? तुमने पूरा पैकेट उठाया चाव चोरी करके, ये सब क्या है किट्टू बेटा? ये क्या है? क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे बेटा को? ओ खाना चाहिए, पेट नहीं भरा। अच्छा मैं दे रही, मैं छोटा को दे रही, और दूंगी खाना। ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा? ये किट्टू खाएगा, दू दू मेरे किट्टू को। तो फ्रेंड्स, घर का काम करने के बाद, किटन्स को खाना देने के बाद, अब टाइम हो गया है, 2 बज रहे हैं और मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ, तो अब बारी है मेरे अपने लंच करने की। तो मैं खुद लंच कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लगाऊंगी टीवी, क्योंकि मेरा फेवरेट सीरियल लगाने का टाइम हो गया है और मेरा फेवरेट सीरियल मैं खाना खाने के साथ देखूँ तो खाने का मज़ा ज़रा दुगना हो जाता है। तो मेरा फेवरेट सीरियल कौन सा है? मेरा फेवरेट सीरियल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा फेवरेट सीरियल है, आजकल जिंग टीवी के ऊपर एक नया सीरियल जो है वो आ रहा है, दैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ द सन।
डिसेंडेंट ऑफ द सन बहुत अच्छा है और ये हिंदी वर्जन में है और बहुत ही फैंटास्टिक सीरियल है। इट्स अ रोमांटिक लव स्टोरी, तो आप लोग भी ज़रूर देखिए, आप भी, आपको भी देखिए, आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे मेरी तरह। और मैं आपको दिखा रहती हूँ, ये मेरी प्लेट रखी हुई है, ये मेरा पानी है और एक्सक्यूज मी टीवी। तो देखिए जी, ये मेरी प्लेट रखी हुई है और मेरा आज का लंच है अंडा करी, और अंडा करी है, राइस है और यहाँ पानी रखा हुआ है, बस सिंपल इतना ही काफ़ी है। तो मैं फटाफट से लंच कर लेती हूँ और आज मैं आपके साथ करूँगी थोड़ी सी अपने दिल की बातें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट करी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो क्लिप पसंद आएगा, छोटा सा मेरा ये छोटा मोटा सा ब्लॉग। तो प्लीज़ अच्छे से इसको देखिए, इंजॉय कीजिए एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, और अपने साथ मेरे साथ बनाए रखिए। मैं अभी वापस से लौट करके आई हूँ तो आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, पर कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि हमें पता होते हुए भी हमें कुछ चीज़ों से हटना पड़ता है। आपके मन में भी मुझे लेकर के और मेरे ब्लॉग्स क्यों गायब हुए, मैं कहाँ थी, इन सब को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है। तो मैं इन सब सवालों का आपको जवाब दूंगी, मैंने जितने भी सवाल सुने हैं मैं इनका ज़रूर जवाब दूंगी। तो चलिए, इन सब सवालों के जवाब मैं तैयार करती हूँ, लेकिन तब तक आप इन्जॉय कीजिए मेरा ये छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आए तो हैं कुछ कुछ लोग, तो अगर फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब किसी वजह से नहीं किया था तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वो लोग जो बोल देते हैं हमने आपके साथ दोस्ती कर ली है लेकिन उनके मैसेज स्पैम हो जाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर आप लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं आते आपसे मिलने के लिए, जब आपके मैसेज हम तक नहीं पहुंचेंगे, स्पैम हो जाएंगे तो हम कैसे आएंगे, है ना। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ही मैसेज कीजिए, वीडियो देखने के बाद ही लाइक कीजिए, वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब का बटन ऑन कीजिए। चलिए, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।